अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में बच्चों 8.4 को हमने सॉल्व करना है। थ्योरी बच्चों मैंने 8.3, 8.4, 8.5 की एक साथ आप लोगों को समझा दी थी, 8.3 से पहले वो अपलोड हो गई थी। मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि 8.4 में हमने करना क्या, एक ही मेन चीज फॉर्मूला जो है वो आपने यूज करना है, उसी को लेकर आगे हम चलेंगे। वो ये था कि बायनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा था 8.3 में, आपने पूरा सॉल्व किया उसको। बायनोमियल थ्योरम आप यूज करते थे जब आपके पास बायनोमियल की कोई पॉजिटिव पावर होती थी, पावर 4 आ गई, पावर 10 आ गई, पावर 15 आ गई, तो होता यह था कि वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती थी कि अगर पावर 15 है तो 16 टर्म होंगी, पावर 20 है तो 21 टर्म होंगी, पावर 5 है तो 6 टर्म होंगी। लेकिन अगर आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए या आपके पास पावर फ्रैक्शनल आ जाए तो अब आपकी नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होती रहती है, खत्म नहीं होती आपकी नंबर ऑफ टर्म। डिटेल में मैंने डिस्कस किया था क्यों है, क्या वजह, हर चीज डिस्कस की थी मैंने। तो फिर हमने नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर के लिए बायनोमियल थ्योरम को हमने एक्सटेंड किया था, जिसको हमने नाम दिया था बायनोमियल सीरीज। सीरीज मैंने बताया था नॉर्मली आप उस वक्त यूज करते हो सीरीज का वर्ड जब आपके पास इन्फिनिट हो। इसके अलावा और भी सीरीज है, पावर सीरीज बेसिक जो सीरीज है इन्फिनिट, फिर टेलर सीरीज है, मैकलॉरिन सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है तो बायनोमियल भी एक सीरीज आप ऐड कर रहे हो लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, दैट्स व्हाई आप सीरीज का वर्ड नहीं बोल रहे होते। लेकिन बायनोमियल थ्योरम को बायनोमियल सीरीज जब आप बनाते हो तो वो इनफाइनाइट होती है। अब उसमें हमने शर्त बताई थी कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 ना हुई, मतलब x जो है सिंपल लैंग्वेज में 1 और -1 के दरमियान होना चाहिए, अगर 1 से ग्रेटर हुआ या -1 से कम हुआ तो अब जो आपकी इन्फिनिट सीरीज है वो कभी कन्वर्ज नहीं करेगी। कन्वर्ज मतलब उसका सम पॉसिबल नहीं होगा। ये चैप्टर नंबर 6 में भी आपने देखा था इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में भी यही शर्त थी, यहाँ पे x है ना वहां पे कॉमन रेशियो होता था, कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी, मतलब वही 1 और -1 के दरमियान होना चाहिए। तो अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब आपकी इन्फिनिट सीरीज कन्वर्ज नहीं कर पाएगी, तो हमें मजा नहीं आएगा। मजा इन द सेंस कि जैसे अभी आप आगे एप्लीकेशन देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 में 14 में कि आप स्क्वायर रूट को भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मालूम कर रहे होते हो यूजिंग बायनोमियल, तो दैट्स व्हाई आपकी कोशिश ये होती है कि x जो है वो लेस देन, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी आपके पास सम पॉसिबल होगा। वरना नंबर ऑफ टर्म इतनी बड़ी होती जाएंगी कि आप शुरू की अगर 5 टर्म भी लो तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि छठी टर्म और बड़ी होगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ये थ्योरी में हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो बायनोमियल थ्योरम को जो हमने एक्सटेंड किया था नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर पे, तो वो ये बना था, क्या था मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहली बात एक्सरसाइज 8.4 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और क्या था मैं पहले मेंशन कर देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n। अब इसमें हमारे पास फॉर्म ये होनी चाहिए कि सबसे पहले 1 होना चाहिए, उसके बाद x की कोई टर्म होनी चाहिए, जरूरी नहीं x होगा, कोई और चीज मौजूद होगी। अब किसी सिचुएशन में 1 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, 6 में देखो 1 नहीं है, तो उसको 1 हम बना लेंगे किस तरह देख लेंगे हम। और अगर दरमियान में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आप x के साथ लगा देना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास देखो 1 माइनस x की पावर n, तो आप इसको इस तरह लिख देना 1 प्लस माइनस एक्स इस तरह, तो बिल्कुल आप उससे कंपेयर करना। अब जो आप एक्स लोगे वो नेगेटिव एक्स ले लेना, बाकी एग्जैक्ट जो फॉर्मूला वही अप्लाई करना, एक्स की जगह माइनस एक्स आप पुट कर देना, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब, और ये चीज चलती जाएगी। जनरल टर्म हमने इसकी लिखी थी, जनरल टर्म क्या थी, n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहां तक जा रहे थे आप, n माइनस r प्लस 1। मैंने पूरा डिटेल में बताया था जनरल टर्म कैसे आई है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और x की पावर r, और अभी भी आप चल रहे हो, खत्म नहीं हो रही। अगर आपको बायनोमियल थ्योरम याद हो उसमें खत्म हो गया था ना आखिरी टर्म, वो एन सी एन थी और वो बी की पावर एन थी, जो भी खत्म नहीं हो रहा, एंड पे अगर आप देखो डॉट 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 है, इनफिनिट जा रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है, ये फॉर्मूला मैंने सामने मेंशन कर दिया, अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा, 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा शुरू के 6 सवालों में, तो उसमें बातें हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा इजी होगा यार, बहुत ही बेसिक है, उसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स्ट्रा चीज क्या है कि यहां पे जो आपके पास बायनोमियल सीरीज जो आप लगाओगे ना, इसमें पहली चीज 1 नहीं है, तो जरा देखते हैं 1 कैसे बनाएंगे इसको। पावर यहां पे देखो 5/2 है, तो आप बायनोमियल थ्योरम यूज नहीं कर पाओगे, जो हमने मॉडिफाई किया था वो आपने यूज करना होगा। किस तरह यूज करोगे आप, यहां पे आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सॉल्यूशन क्या होगा, चाहो तो अगर एग्जाम में सवाल आते नहीं है, बहुत छोटे तो बेसिक से सवाल होते हैं, लेकिन अगर आ गए तो आप फॉर्मूला मेंशन कर देना, आपको कैलकुलेशन में बड़ी आसानी होगी, मैंने एक दफा ही मेंशन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन करो। सिंप्लीफिकेशन क्या है, आपके पास लिखा हुआ 4 प्लस 3x की पावर 5/2, ये बराबर होगा
कि आप इन दोनों टर्म से फोर कॉमन ले लो। आप लोग कहोगे सर दूसरी टर्म में तो फोर आ ही नहीं रहा, इसको आप कहते हो जबरदस्ती का कॉमन। आप बाय द वे पहली टर्म से फोर कॉमन लो तो क्या बचेगा पहली टर्म में वन, और दूसरी टर्म में से जब आप फोर कॉमन लोगे और फोर यहां पे मौजूद नहीं है तो जबरदस्ती जब आप कॉमन लेते हो ना तो उसके रिजल्ट में होता क्या है कि डिनोमिनेटर में फोर आ जाएगा, मतलब ये सिचुएशन हो जाएगी 3x/4। ये आपने जबरदस्ती का कॉमन लिया, 3x में 4 था नहीं, लेकिन जबरदस्ती जब आप कॉमन लो 4 तो आप पे एक 4 नीचे लगाना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करो तो चीज वही आनी चाहिए, आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 आ रहा है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कैंसिल दोबारा 3x आ रहा होगा। तो जब आप जबरदस्ती का कॉमन लेते हो तो जो चीज आपने जबरदस्ती की कॉमन ली है उससे आप डिवाइड कर दो। ये आपने ये अंदर पावर के अंदर सब आप कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप पावर बाहर लगा दो। तो ये जो काम हो रहा था ये आपने अंदर किया है, अब क्या करो आप 4 पे पावर आएगी, 4 की पावर 5/2 और बाकी 1+3x/4 की पावर 5/2। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 की पावर 5/2 क्या होगा, देखो 4 को इस तरह लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, ठीक है, आप इस 4 की जगह लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब पावर आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये वाला 2 और ये वाला 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो सिंपल लैंग्वेज में ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी चीज जो है ये इसके बराबर होगी, तो इसको एक्सपेंड करना बराबर है कि आप इसको एक्सपेंड करो, और इसको एक्सपेंड करना मैं पता बड़ा इजी है, किस तरीके से एक्सपेंड करोगे बहुत इजी तरीका है, 32 लिखो और इस पे आप लगा दो बाइनोमियल। अब बाइनोमियल लगाते हैं, बाइनोमियल क्या था, सबसे पहले आप लिखो 1+nx, n यहां पे क्या है 5/2, तो n और x का रोल कौन अदा कर रहा है यहां पे 3x/4, ठीक है, nx हो गया, प्लस n n-1, n है यहां पे 5/2, ये n हो गया n-1, मतलब 5/2-1 डिवाइडेड बाय 2 factorial, और एक्स स्क्वायर, एक्स का रोल यहां पे कौन अदा कर रहा है 3x/4, तो इसका स्क्वायर कर दो आप लोग और चीज चलती जाएगी यहां पे, ठीक है। जनरल टर्म में लिखने की जरूरत नहीं, आपने इसको एक्सपेंड करना है कितने तक, लिखा हुआ एक्सपेंड टू 4 टर्म्स, तो 1, 2, 3 टर्म तक एक्सपेंड कर दी, एक और टर्म मतलब 4 टर्म तक आपने एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो चौथी टर्म क्या होगी 5/2, फिर 5/2-1, फिर होगी 5/2-2, चौथी टर्म में यह आ रहा होगा डिवाइडेड बाय 3 factorial। इस तरह याद रखो कि अगर नीचे 3 आ रहे हैं ना तो ऊपर 3 टर्म होंगी, अगर 2 आ रहा है मतलब टर्म तो एक ही है, मतलब 3 ब्रैकेट आप समझ लो, अगर नीचे 2 आ रहा है ऊपर 2 ब्रैकेट होंगी, और 2 ब्रैकेट आप खुद ही समझ लो, पहले n होगी फिर n-1 होगी, अगर नीचे 3 आ रहा है ऊपर 3 ब्रैकेट होंगी, 3 ब्रैकेट मतलब n n-1 n-2, इस तरह आप समझ सकते हो। या दूसरी लैंग्वेज में जो यहां पे नंबर आया है ना उससे 1 कम यहां पे होगा, अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 2 होगा, अब 2 कैसे आएगा, पहले n होगा फिर n-1 होगा फिर n-2 होगा ना, तो डेफिनेटली ऊपर 3 हो जाएंगे 12, और फिर x का क्यूब, x यहां पे क्या है 3x/4, और इसका आपने क्यूब कर देना, दैट्स इट। सवाल में आपको बोला हुआ था कि आपने 4 टर्म तक एक्सपेंड करना है क्योंकि इन्फिनिट है भाई, कहां तक जाओगे, तो उन्होंने बता दिया 4 टर्म तक ही करो, ज्यादा आगे फॉरी ना काटो। अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 32 ये हो जाएगा 1, सॉल्व करो कुछ कैंसिल हो रहा है, 15/8 आ रहा है, तो 15/8x। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप देखो ऊपर ऊपर आपके पास आ रहा है 5/2 मल्टीप्लाई, 5/2 से 1 कम करोगे 3/2 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2, ये वाला 2 ये 2 कैंसिल नहीं होते, ये ध्यान में रखना, अगर डिनोमिनेटर में ये 1/2 होता ना अब ये वाला 2 से कैंसिल हो सकता था, तो ये ध्यान में रखना, कैंसिल नहीं कर देना 2 को, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले डिनोमिनेटर से, मतलब ये 2 जो है इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में चौना कर लेंगे। बराबर, अभी इसको स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 9x/16, अच्छा ये हो जाएगा 5/2, 3/2 और 1/2, जब इसको सॉल्व करोगे ना 2 2 4, 5 -4 1, तो 1/2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 क्योंकि 3 factorial 6 होता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और x³। यहां पे एक बात गौर करना जो क्वेश्चन नंबर 7-8 में आपके काम आएगी, अगर इसकी अगली टर्म में जो लिखूंगा वो नेगेटिव हो जाएगी, इसकी अगली टर्म नेगेटिव क्यों होगी, अगर आप इसको गौर से देखो इन सब टर्म्स को, इसमें नेगेटिव कैसे आ सकता है, इस वाली टर्म से तो नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा, फैक्टोरियल भी कभी आपको नेगेटिव नहीं देगा, नेगेटिव आने का जिम्मा किसका है, न्यूमरेटर का, क्योंकि आपको पता है इससे अगली टर्म जो होगी वो क्या होगी, n n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय 4 factorial और x की पावर 4,
4 फैक्टोरियल मसला नहीं करेगा, इसकी पावर 4 मसला नहीं करेगी, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव किसकी वजह से आएगा, जो चौथी ब्रैकेट होगी ना एन माइनस थ्री वो नेगेटिव लाएगी, मतलब 5/2 माइनस थ्री क्या होगा -1/2। तो क्वेश्चन नंबर 7-8 में आपको यही बताना होता है कि फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। अगर आप इसमें देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जो पहली नेगेटिव टर्म है ना वो इसके बाद आएगी। तो ये मालूम करने का तरीका भी मैं वहां पे बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अगर आप देखो ना तो आप आसानी से मालूम कर सकते हो कि नेगेटिव किस वजह से आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव लाने का रिस्पॉन्सिबल यही है, क्योंकि फैक्टोरियल तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप खुद ही समझ जाओगे इससे अगली वाली जो टर्म होगी ना उसमें 5/2 -3 आएगा, और वो इस पूरी फ्रैक्शन को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव होंगे, 5/2 -3 जो है वो नेगेटिव कर देगा सबको। तो 7-8 में इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। मैं एक और तरीका भी बताऊंगा जनरल टर्म से, लेकिन ये मैनुअल भी आपको पता होना चाहिए। पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों मजीद, और ये हो जाएगा 32 1+15/8x। इसको किस तरह सिंप्लीफाई करोगे, अब देखो इसको रफ वर्क में भी आप कर सकते हो ताकि फाइनलाइज आंसर लिख दो। 5 3 क्या होता है 15, 2 2 4 और 4 2 इससे मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 15/8। हाँ, और ये क्या होगा 9/16x2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पे, नहीं 8 और 9 ही कैंसिल नहीं हो रहे, 16 15 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो। 15 को आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आई गेस 135 आता है ना, 135 मैनुअली पहले हम करते हैं ना, और 8 को 16 से करोगे 128 आएगा, 128x की पावर स्क्वायर, और आई गेस यही है 15 × 9 / 8 × 16। ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। फिर अगले टर्म पे आ जाओ, अगले टर्म में क्या है भाई, 5/2 3/2 ये तो होता है 15/8, 15/8 को 1/2 से करो 15/16, यही होगा ना 15/16 × 6, 6 को कैंसिल कर सकते हो, मतलब ये वाला 6 मैंने बताया 6 ना इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 5 जो भी, तो ये हो जाएगा 5/32 को मल्टीप्लाई करो 27/64 से, तो बेहतर आप कैलकुलेटर यूज कर लो, 5 × 27 = 32 × 64, तो ये आ रहा है 135/2048x की पावर 4। दैट्स इट, ये आपकी चौथी टर्म में, आपने चौथी टर्म तक ही एक्सप्रेस करना था, ये आंसर आता है। ठीक है, 32 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कॉमन आ रहा है तो उसको ऐसे रहने दो। ये बच्चों इसकी एक्सपेंशन है, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास सारी टर्म्स आ रही होंगी। 4 टर्म तक आपने लिखा है, इससे आगे आपने नहीं लिखा। अगेन वही, अगर आप चाह रहे हो कि इसका सम पॉसिबल हो तो सम पॉसिबल उसी वक्त होगा जब ये जो x है ना इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। एक चीज रुको, मैं एक चीज कंफर्म करने लगा हूं, ठीक है। तो अगर चाहो तो आप इसके आगे लिख सकते हो कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, और इस चीज को इस तरह भी आप लिख सकते हो कि -1 और 1 के दरमियान x होना चाहिए, तब इसका सम जो है वो पॉसिबल होगा। यहां पे हमारा मकसद सम निकालना नहीं था, लेकिन अगर आप बात करो इस सीरीज का, अच्छा उसको कन्वर्ट करना भी कहते हैं कि सीरीज कन्वर्ट उस वक्त करेगी जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। कन्वर्ट मतलब कोई आंसर आ रहा होगा, डाइवर्ट मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा, या तो ऑल्टरनेट हो रही है प्लस माइनस, या फिर उसका सम बहुत बड़ा होता जा रहा है, दोनों सिचुएशन में आप डाइवर्ज का वर्ड यूज कर लेते हो। डाइवर्ज तो वैसे इन्फिनिटी के लिए यूज करते हैं कि आपके पास इन्फिनिटी आ जाए, लेकिन ऑल्टरनेट के लिए भी आप कह दो कि वो डाइवर्ज ही है, तो वो दोनों केसेस में आप डाइवर्ज ही बोलोगे। कन्वर्ज उस वक्त होगी जब उसका सम कोई नंबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पावर नेगेटिव है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, और भी ऐसे सवाल है जिसमें पावर नेगेटिव है, तो मैं काम करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में पावर नेगेटिव होगी और उसकी स्टार्टिंग 1 से होगी, तो 1 वाली स्टार्टिंग भी देख लेना, और एक क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा मुश्किल तो नहीं है, देख लेते हैं फिर, पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में काफी चीजें एक साथ आप देखोगे, सबसे पहले तो एक चीज डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आप लाओगे, फिर उसके अंदर x भी नेगेटिव है, इसी तरीके से पावर भी नेगेटिव है, तो काफी चीजें इसके अंदर कवर हो रही है, ये चीज आपके पास लिखी है। अब सबसे पहली बात, ये जो 3 लिखा हुआ है ये 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 3 3√ है, यहां पर क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, जैसे स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2 होती है, तो क्यूब रूट की पावर क्या होती है 1/3 होती है। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करो, ये जो पूरी चीज आप लोगों के सामने लिखी हुई है,
सबसे पहली बात, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, और जब ये पावर ऊपर जाएगी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3, जब आप ऊपर लेके जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप एक और काम भी कर सकते हो समझने के लिए, क्या आप इसको इस तरह लिख दो, 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3। वैसे बुक में ऐसी सीरीज भी लिखी है जिसमें अगर आपके पास यहां पे नेगेटिव आ जाए ना तो वो उसकी जनरल फॉर्म को चेंज कर देते हैं, जनरल फॉर्म में कहीं प्लस आ रहा होगा, n+1, n+2 ये सब आ रहा होगा। ये मैंने आपसे थ्योरी में डिस्कस की थी बात, लेकिन इसको हम इतना यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज करने वाली बात होती है कि अलग सीरीज पे अगर अलग चीज लगाओगे आप, तो मेन चीज ये कि आप हर एक में ना ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और इस वाले फॉर्मूले के लिए आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। बस ये जनरल फॉर्म को याद कर लो, 1+x आपको ये चाहिए। तो देखो 1+x, x यहां पे आपका क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो वहां x रोल अदा कर रहे हैं ना वो यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर रोल अदा कर रहे हैं, और वहां पे जो n है वो यहां पे माइनस 1/3 है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, आपको ज्यादा मसला ना हो, वो जो चीज है वो मजबूरी में कभी हम इस्तेमाल करेंगे, मजबूरी क्वेश्चन में 11 में भी है, वहां पे आसानी होगी उस चीज को इस्तेमाल करना, तो वहां पे देख लेंगे उसको। अभी आप मामले को सिंपल ही रखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लेके जाओ। किस तरह आप सॉल्व करोगे, बाइनोमियल अप्लाई करो इसके ऊपर। सबसे पहली टर्म क्या होगी बच्चों इसकी, 1, फिर दूसरी टर्म होती है एन एक्स, एक्स यहां पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर तीसरी टर्म होती है एन एन माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है मतलब माइनस एक्स स्क्वायर है हमारा, मतलब ये x है इसका आपको स्क्वायर करना है। फिर एक आखिरी टर्म, चौथी टर्म भी लिखनी है आपको, n n माइनस 1 n माइनस 2। मैंने बताया था नीचे अगर 3 फैक्टोरियल आएगा तो ऊपर 3 ब्रैकेट आप लिखोगे, और फिर होगा जो भी x है यहां पर उसका क्यूब करोगे, डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, आपने इसको सिंप्लीफाई करना। देखो तरीका वही है, कोई नई चीज नहीं है जो हमने यहां पे की है, और सिंप्लीफाई करो उसको, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4/3, इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 है, माइनस की पावर एवन तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स 4। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, पहली ब्रैकेट माइनस 1/3, दूसरी हो जाएगी माइनस 4/3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7/3, डिवाइड में 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और जब इसका क्यूब करोगे माइनस का क्यूब माइनस होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1+1/3 एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, पहली बात माइनस माइनस पॉजिटिव, ऊपर होगा 4/9, 4/9 को मतलब 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, ये हो जाएगा 4/18, 4/18 को सिंप्लीफाई किस तरह करोगे आप, 2/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 एक्स की पावर 4। मसला होगा तो ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डालो, फ्रैक्शन कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा, खुद करो तो ज्यादा बेहतर है। माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 4 माइनस है पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दैट्स इट, आप पॉजिटिव ही कंसीडर करो इसको। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा 1/4 7 मल्टीप्लाई करो 28, इसको साइड पे कर लेते हैं, ऊपर होगा 28, नीचे क्या होगा 3, 3, 3, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई ये वाला 6। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 6, 2 14 28, आपको मजीद कैंसिल होता है, 14 27 नहीं होता, नहीं होता, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर में कंफर्म कर लेते हैं कि मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, नहीं मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, 14/18 नहीं आएगा, और पावर क्या होगी x की पावर 6, और आगे आप चलते जाओ। तो ये आपने बाइनोमियल पूरा एक्सपेंड कर दिया, अगेन वही बात, अगर आप चाह रहे हो ये कन्वर्ज करें तो यहां पे x जो है, ये जो आपको x नजर आ रहा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि इसकी हायर पावर है ना। याद रखो जब x जो है 1 और -1 के दरमियान होगा तो उसकी हायर पावर बजी छोटी होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप 0.5 की पावर को बढ़ाते जाओ, आप 0.5 की पावर स्क्वायर करोगे तो आंसर आ रहा है 0.25, कम हो गया। आप 0.5 की पावर फॉर एग्जाम्पल क्यूब करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.125, और कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी पावर 6 करते हो, अब आंसर आ रहा है 0.0156, मतलब जो नंबर 1 और -1 के दरमियान होते हैं
जब आप उसकी हायर पावर करते जाते हो वो नंबर छोटा होता जाता है, चाहे वो नंबर नेगेटिव भी हो। फॉर एग्जाम्पल -0.5 है। अब -0.5 पे शुरू में तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव आंसर मिलेगा, इवन होगी पावर ऑड होगी उसमें, लेकिन वक्त आएगा पावर इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका आंसर छोटा होता जाएगा, तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि -0.5 करते हैं, अब इसकी फिलहाल स्क्वायर जो है वो होगा 0.25, और अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर आएगा -0.125। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी पावर 10 करता हूं तो इसका आंसर आ रहा है 9.76 × 10⁻⁴, मतलब 0.000976। अब नंबर देखो कितना छोटा हो गया। अब नंबर जब बहुत छोटा हो जाए ना तो वो नेगेटिव जीरो हो या पॉजिटिव जीरो हो हम इतना केयर नहीं करते उसकी, क्योंकि वो इंपैक्ट उसका बहुत कम होता है। पॉजिटिव होगा तो कोई 0.004 जाके पता नहीं उसका इंपैक्ट पड़ रहा होगा, 100th प्लेस पे या 1000th प्लेस पे जाके उसका इंपैक्ट पड़ रहा होगा, तो इतना मैटर नहीं करता। अगर इसकी मैं पावर 11 करूं तो ये हो जाएगा अगेन वही -0.000488। अब क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस माइनस का, तो दैट्स व्हाई अगर आपका एक्स वन और माइनस वन के दरमियान होता है तो उसकी हायर पावर बहुत छोटी होती जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 6 बहुत छोटी है, अब इसकी अगली पावर जो होगी एक्स की पावर बहुत छोटी होगी, उसका इतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं शुरू की 3-4 टर्म भी ले लूंगा मेरा काम बन जाएगा। ये बातें मैंने सब डिस्कस की है, तो मैं साथ साथ ही बताता रहता हूं ताकि मजीद आप लोगों के ध्यान में आते थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 ऐसे करवाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं आप क्या करना। शुरू में लिखा हुआ ना a² - ax³ - 3/10। जस्ट सिंप्लीफिकेशन आपने ये करनी है कि आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ए स्क्वायर कॉमन लो पहले टर्म में 1 बचेगा, और जब मैंने आपको कहा था जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो उस चीज को डिवाइड कर दो, तो ए एक्स से ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और भाग पावर -3/10 आ जाएगी। इस ए से ए वाला ए कैंसिल कर दो, और मजीद एक काम करना, ये जो ए स्क्वायर है इसके ऊपर पावर आ जाएगी -3/10, और 1 माइनस के ऊपर भी पावर आ जाएगी, तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए के ऊपर भी पावर आ गई -3/10। ठीक है, तो ये है पूरी चीज, इसको आपने सिंप्लीफाई करना। अच्छा माइनस एक्स अपॉन ए है ना, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते हैं, इसको अपनी आसानी पे इस तरह लिखना 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन ए, इस तरह लिख देना। तो अब जरा देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 1 2 2 5 5, तो ये a की पावर -3/5 तो साइड पे, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन ए की होल पावर -3/10। तो अब एग्जैक्ट ये फॉर्मुला लगाना, यहां पे n क्या है -3/10 और x यहां पे क्या है -x/a, कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या होगा यहां पे लिखोगे -3/10 और यहां पे लिखोगे -x/a, मतलब एन एक्स, फिर एन एन माइनस वन होता है ना, तो -3/10 - 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहां पे लिखोगे -x/a का स्क्वायर। अच्छा -3/10 - 1 - 3/10 - 2, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, यहां पे लिखोगे -x/a का होल क्यूब, बस चार्टर मार देंगे आपके, सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा आपका।